की स्पीच का उसके बारे में मैं आपसे जरूर आपकी ख़दमत में गोश गुजार करना चाहूंगा देखिए कोविड आया और कोविड के को ऊपर मैंने और पूरी ऑपोजिशन ने दिल खोलकर कहा कि यह कौमी एक एमरजेंसी है कौमी मामला है हम मिलकर इसमें हम मिलकर इसमें अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जिस तरह भी हम करेंगे ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मामला है किसी एक फर्द का या किसी एक सूबे का मामला नहीं है ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मामला है हम अपनी हर चीज हर तमाम अपने इलाफात हम दफन कर देंगे कोविड के लिए सब अपनी जाने लड़ाएंगे आपने थ्रू योर गुड ऑफिस आई वुड लाइक टू यू नो रिफ्रेश मेमरी ऑनबल स्पीकर के आपने फिर एक कॉन्फ्रेंस आपने बुलवाई आपको याद है आपको जी कॉन्फ्रेंस बुलवाई उसमें मैं भी आ, था इनवाइटेड, ऑनरेबल जनाब भी उसमें इनवाइटेड थे मौलाना असद और सब इनवाइटेड थे इमरान खान न्यायी साहब तशरीफ तो लाए उसके बाद उन्होंने स्पीच की उसके बाद मुझे आपने मुझे आपने इनवाइट किया तो मैंने देखा कि स्क्रीन पर इमरान न्याजी साहब मौजूद नहीं हैं मैंने आपसे पूछा कि जहाँ स्पीकर वो प्राइम मिनिस्टर किधर हैं तो आपने कहा उनको जरूरी काम पड़ गया है वो चले गए अब बताइए जहाँ स्पीकर कि कोविड मुल्क में तबाही फैला रही हो और पूरा पाकिस्तान को इकट्ठा करना वजीर आजम का काम था मगर हमने वॉल्टरली हमने अपने आप को ऑफर किया कि कोई बात नहीं ये कहीं ये कोई ऐसी बात नहीं कि हमें जनाब प्रोटोकॉल में पढ़ना है हम सब ने यक जुबान होकर कहा कि हम इस मामले के ऊपर सब इकट्ठे हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर करके चले गए कि उनको कोई अब कोविड से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा था उस दिन या उसके कई महीनों बाद जन स्पीकर लेकिन वो ले गए चले गए वो हालांकि उस वक्त मेरा ख्याल है कि कहते हैं कि स्पीकर वो चले गए और मजबूरन मैंने भी और बेलावल साहब ने भी हम सब ने आ, हमने हम, हम हमने फिर बाइकआउट किया कि भाई अगर हमारी इनको ज़रूरत नहीं है तो फिर ये जाने इनका काम जाने लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने तौर पर जो भी हमारी खदम्त थी वो हम करते रहे अब बताइए कि बारह सौ अरब रुपये का कोरोना का पैकेज आया यहाँ स्पीकर मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी बात न जिससे कि किसी की दिल आजारी हो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो बात करूं जो रेलिवेंट है और अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं समझता हूं कि मैं हाउस को भी और खुदा को भी मैं जवाब दे हूं मुझे बताइए कि 1200 सौ अरब रुपए का कोरोना का अनाउंस किया वो बदतरीन गफलत नेगलिजेंस इनकॉम्पिटेंस के नजर हो गया देखिए कि चीन ने हमें तोहफतन वैक्सीन दी जिसकी हम पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है और किसी मुल्क में भी दी हम उनके भी शुक्रगुजार हैं लेकिन क्या हमने सिर्फ तोहफों के ऊपर इकतफा करना था पूरी कौम जो है वो एक हैजानी कैफियत भी थी एक खौफ था कि ना जाने ये कहां से ये कोविड की बला आ गई जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है तो जनाब स्पीकर उस वक्त तो फिर हमें हर चीज को एक तरफ करके हमें तमाम तवानाइयां तमाम वसाइल इकट्ठे करके झोंक देनी चाहिए थी ताकि हम इस कौम का आखिरी बच्चा मां भाई बुजुर्ग को कोरोना के खिलाफ जो उसकी वबा है उससे बचाने की पूरी तदबीर करें कोशिश करें लेकिन जनाब स्पीकर ऐसा नहीं हुआ मुझे बताएं कि पहला कोविड का हमला हुआ मार्च 2019 में जब मैं आखिरी फ्लाइट लेके वहां से लंदन से पाकिस्तान आया उसके बाद जो कुछ हुआ वो दिस नॉट टू थ्रो लाइट ऑन दैट और अब तीसरा अटैक कोविड का वो हुआ है इन बिटवीन जो आपको स्पेस मिली वक्त मिला इसके ऊपर आपने क्या किया मास्वाए के ऑपोजिशन को दीवार से लगाओ माशवाए कि अगर आ, 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 अपना चैनल कोई अपना बात करता है हुकूमत के खिलाफ उसको बंद कर दो अगर कोई साहब भी लिखता है हुकूमत के खिलाफ उसको बंद कर दो और जो बोलता है उसको नायब न्याजी गट जोड़ जो है उसको पकड़ ले नाम स्पीकर कोई भी होता तो वो तमाम चीज़ों को एक तरफ करके तमाम तोानाइयाँ तमाम वसाइल पूरी कौम को मुशतमय करके और जिसे कहते हैं कि बेंट बैकवर्ड्स और वो कोरोना की वैक्सीन के लिए अरबों रुपए झोंक देते वो भी काफी ना थे लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी एक चीज की कमी थी द विल टू डू द विल टू एक्ट द विल टू इंप्लीमेंट उसकी कमी थी ना ये खुदादाद मुल्के पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है बहुत वसाइल दिए हैं करना हो तो फिर हर चीज मुमकिन है अगर ये मुल्क तमाम दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद एक एटमी ताकत बन सकता है तो खुदा की कसम पाकिस्तान हर चीज़ कर सकता है उनको और इसमें कोई दो राय नहीं कि एटमी सलाहियत की शुरुआत मरहूम जुल्फार अली भुट्टू साहब ने उसकी बुनियाद रखी और मियाँ नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने ये दिया अपना कि उन्होंने हिंदुस्तान के पाँच के मुकाबले में छः आदमी धमाके करके पाकिस्तान की जुग्राफ सरहदों को हमेशा हमेशा के लिए जहाँ स्पीकर उनको मजबूत किया और महफूज किया और ये कोई किसी इंडिविजुअल की जिस तरह मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ इट वॉज़ नॉट दू नो बेनिफिट ऑफ वन इंडिविजुअल दाकिस्तान वगरना आज दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता नाम स्पीकर मैं आपको यह कर रहा हूं कि आज हर पाकिस्तानी इन तीन इन तीन सालों में जो हमारी जो पर कैपिटा जो, जो हमारा जो कर्ज है जिसको आप डेट कहते हैं हर पाकिस्तानी पर कैपिटा जो उसका डेट है वो इस वक्त पौने दो लाख रुपए पे पहुंच चुका है हमारे जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं जनाब स्पीकर उनका भी आखिरी बाल मोट गेज हो चुका है क्या कोई कौम इस तरह जिंदा रह सकती है कि एक हाथ में एटमी ताकत हो और एक हाथ में अपना कशकोल हो दिस नॉट सस्टेनेबल इस तरह नहीं हो सकता हमरे इनशाला एटमी ताकत बनकर रहना है उसके लिए हमें वो हालात और वसायल पैदा करने होंगे जहां स्पीकर के बेगस कांड एक हाथ फैलाने वाला वो तो फैसला कर ही नहीं सकता वो तो हमेशा डिक्टेशन लेगा अगर डिक्टेशन खत्म करनी है अगर हमने अपने आप को पांव पे खड़ा करना है तो उसके लिए वो कशकोल तोड़ना होगा जो कि रातों रात नहीं टूट सकता मैं मानता हूं लेकिन उसके लिए वो शुरुआत तो करें मगर हुआ क्या जनाब स्पीकर कि इन तीन सालों में कर्जों के हवाले से क्या कुछ हुआ मैं अभी आपको अर्ज करता हूं मगर हम पे ये इल्जाम दिन रात लगता था कि जी इन्होंने बरामदात को एक्सपोर्ट्स को इन्होंने नहीं बढ़ाया बिल्कुल वो नो प्लेटो you know, है और इन्होंने फना किया डमकाम किया इन्होंने क्या किया 2018 में जहां पर जनाब स्पीकर मुस्लिम लीग नून की हकूमत के के मुकम्मल होने पर जो लेवल था एक्सपोर्ट्स का उसके बाद आज तक इन तीन सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35 परसेंट गिर चुकी है 35 परसेंट और मैं आपको सिर्फ मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड uh, सिचुएशन uh, को यहां पर नहीं लाना चाहता सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जब रुपए की कीमत 35 परसेंट डॉलर के मुकाबले में गिरी तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो उसी हिसाब से वो महंगी हो गई उसका मतलब यह है कि फिर हर चीज महंगाई की तरफ गई और फिर आपका जो कारोबार जरात कारखाना हर चीज उसकी मसनूआत महंगी हुई बट लेट्स लीव डेट पॉइंट फॉर समर टाइम टू डिबेट अभी मैं खाली एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि 35% परसेंट रुपए की कदर गिराने के बावजूद आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2018 के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी जनाब स्पीकर कितनी बड़ी ये शुमी किस्मत है कि मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया लेकिन एक्सपोर्ट्स ये तीन साल में नहीं बढ़ा सके इसी तरीके से जनाम स्पीकर इन्होंने इन तीन सालों में दस हजार अरब रुपए से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट किया यानी मालियाती खसारा दस हजार अरब रुपए से ज्यादा इन तीन सालों में और जिस हुकूमत को दिन रात ये क्रिटिसाइज करते हैं और कीड़े निकालते हैं नवाज शरीफ के तीन अतवार उन्नीस सौ नब्बे तिरानवे फिर सतानवे से लेकर 1999 और फिर 2013 से 18 इन 10 सालों में नवाज शरीफ के तीन अतवार का जो बजट खसा है जो फिजिकल डेफिसिट वो एक तरफ और इन तीन सालों का फिजिकल डेफिसिट उससे ज्यादा कहीं ज्यादा है कहीं ज्यादा है उससे और फिर जान स्पीकर हमें यह कहा जाए कि हम झूठ को सच कहें तो यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है झूठ को झूठ कहा जाएगा दुनिया में चाहे पाकिस्तान है या सऊदी अरब है या शुमाल है जनूब है वहां पर जो साहिब हैसियत फिलंथ्राफिस्ट जो होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो गुरबा के लिए वो मेहमान खाने में बनाते हैं उनके लिए दवाइयाँ भी देते हैं उनके लिए खाने में चलाते हैं और होना चाहिए आपको पता है कि यूरोप में वो जो सूप सिस्टम का पूरा बहुत चर्चा है आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर भी पाकिस्तान में सूबों में बहुत अल्लाह को जन अल्ला ने जिनको वसाइल दिए वो ये काम करते हैं हकूमत भी हाथ बुटाए कोई इसमें दो राय नहीं लेकिन हुकूमत का असल काम तो है पॉलिसी मेकिंग हुकूमत का असल काम है कि का जो लंगर खानों में जो गरीब लोग खाना खाने जाते हैं उनको पाँव पे खड़ा करें और वो खुद अपने पाँव पे खड़ा करें द एम इज नॉट एम इज नॉट टू रेज आमी ऑफ बेगस द एम इज टू रेज आर्मी ऑफ डोअर्स एशियन बिल्डर्स ये है लंगर खानों का ये अपना जनाव स्पीकर मेहमान खानों का जो कॉन्सेप्ट है तो अगर आपने लंगर खाने बनाकर खाली हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहना है और जरात को आपने तबाह तबाह करना है खुदा खास्ता जो कि मैं अभी उसकी तरफ आऊंगा और आपने को तबाह करना है आपने गुर्बत और बेरोजगारी को आगे लेके जाना है तो जनाब स्पीकर इस तरह कॉमें नहीं बसती इस तरह कॉमें तकड़ी नहीं होती इस तरह कौमें जो है खुशहाल नहीं होती और यही वजह है कि आज तीन साल बाद ये जो चौथा बजट पेश हुआ है जनाब स्पीकर आप देखते हैं कि हर तरफ हर आदमी हर घराना पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरा घर मेरी जेब खाली है मैं कहाँ से अपने बच्चों का मैं पेट पालू कहां से दवाई लेके आऊं जनाब स्पीकर मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर वजीर ख़जाना तशरीफ़ फरमा नहीं हैं उन्होंने कहा ये उनके आई एम कोटिंग हिम उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान एक गंदम कपास गन्ना और दूसरी फसलें पैदा करने वाला एक बहुत कामयाब मुल्क है और रिकॉर्ड पैदावार हुई है ये उन्होंने कहा मगर दूसरे सांस पे उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड आइटम्स यानी फूड डेफिसिट मुल्क, मुल्क बन गया है कितना ये एक तलख तजाद है जहाँ स्पीकर कि आप एक सांस में कहें कि पाकिस्तान जो है वो अपना रिकॉर्ड पैदावार हुई है उसकी भी मैं आपको अभी मैं गुजारिश करूंगा और दूसरी तरफ आप ये बताएं कि जनाब वी जनाबिकम नेट इंपोर्टर नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट सिचुएशन के रिकॉर्ड हुई है तो फिर मुझे बताएं कि रमजान शहर रमजान में एक किलो आटा और एक किलो चीनी खरीदने के लिए रोजे के साथ हमारी कौम की माए बहने बेटियां बुजुर्ग लंबी लंबी कतारों में लगी थी चिलचिलाती धूप में सिर्फ एक किलो और आटा चीनी खरीदने के लिए और सिर्फ बीस रुपए बचाने के लिए कभी आपने ऐसी सूरत हाल देखती आंख ने आज तक इस तरह का दिल हिला देने वाला मंजर नहीं देखा जान स्पीकर आज तक नहीं देखा और ये अभी हुआ है दो महीने पहले मुझे बताएं कि कहां गए इनके दावे और फिर अगर ये बंपर क्रॉप हुई हैं तो फिर आटा पैंतीस रुपए से पचासी रुपए पे कहा किस तरह पहुंच गया बम्पर क्रॉप हुई जब स्पीकर तो फिर चीनी जो कि हमारे दौर में बावन रुपए से ऊपर नहीं गई एक पैसा भी वो सौ रुपए से ऊपर किस तरह चली गई ये कौम को इनको बताना होगा किस तरह चली गई मैं समझता हूं कि ये है वो चुपते हुए सवाल जो आज कौम सच और हक के पराय में सुनना चाहती है जानना चाहती है जहां स्पीकर मैं आई नॉट रेजिस्ट एक्सप्लेनिंग दिस एपिसोड इवन एट कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बिकॉज इसने इन तीन सालों में, में मेरे नजदीक चाहे वो कोविड हो उसका मुकाबला करना हो चाहे वो महंगाई हो चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे वो गुरबत हो चाहे वो करप्शन हो इस एपिसोड ये आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द मदर ऑफ ऑल एपिसोड कि 11 लाख टन चीनी इस हुकूमत में वजीर आजम की सैंक्शन से एक्सपोर्ट की जाती है जहाँ फिक्र ये बड़े ये दिल गुदास वाक्य है ये मैं आपसे बड़े ही अदब से गुजारिश करूंगा इसको अगर आप एब्जॉर्ब करेंगे तो मैं आपका बहुत मशकूर हूंगा बिकॉज इट्स पाकिस्तान कि 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर इमरान खान न्याजी देते हैं और साथ उसके जनाब स्पीकर सब्सिडी भी दी जाती है सब्सिडी अरबों रुपए की अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है एक्सपोर्ट के लिए कि जी एक्सपोर्ट हो रही है शुगर और फॉरेन एक्सचेंज हमने कमाना है इसलिए जनाब हम सब्सिडी दे रहे हैं और उसके साथ इंटेंडम जनाब स्पीकर इंटेंडम रुपया जो है अपनी कदर बड़ी तेजी से खो रहा है या उसको खोने दिया जा रहा है और एक या एक रुपए अपना रुपए की कीमत हो जाती है में भी डॉलर अब वो जो एक तरफ आप सब्सिडी दे रहे हैं अरबों रुपए की और दूसरी तरफ जो विंडफॉल बिकॉज ऑफ यू नो दिस डिशन वेरी स्टीप डी वैल्यूएशन अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो वो तो बुनजा था एक्सपोर्टर्स का उनकी जेबों में गया सब्सिडी भी गई और वो जो रुपए क्योंकि जब एक डॉलर जब एक्सपोर्ट कर रहे थे अगर वहां पर एक सौ दस या पांच रुपए था जब एक्सपोर्ट करते करते रुपए एक सौ चालीस पहुंच गया तो वो किसको गया वो जो एक्सपोर्टर उसकी जेब में गया किसी ने पूछा कुछ वहां जी शोर बड़ा मचा हम छोड़ेंगे नहीं फला नहीं करेंगे आज तक जहां स्पीकर किसी को इस मामले में कटहरे में नहीं खड़ा किया गया फिर बात जहां पर फिक्र यहां खत्म नहीं होती दिस इज इवन द वर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी और वो ये है उसके बाद जहां स्पीकर चीनी और गंदम पर एक इंपोर्ट करनी शुरू कर दी अंदाजा कीजिए आप पहले एक्सपोर्ट की उसके बाद फिर इंपोर्ट करनी शुरू कर दी जनाब स्पीकर और उसके ऊपर इस मुल्क का जो स्केयर्स जरे मुबादला है अरबों रुपए का उसको स... खर्च किया गया मैं ये नहीं कहता कि वो तबाह हो गया उसको खर्च किया गया जाया हुआ फिर वही चीनी और वही गंदम एक्सपोर्ट की गई इंपोर्ट की गई कोई जवाब था इसका कोई जन, जन, कोई मंतक थी इसका कोई कोई जस्टिफाइबल रीजन था स्पीकर मैं समझता हूं कि यह है वो मदर ऑफ़ ऑल काइंड ऑफ स्कैम जिसने इस मुल्क के अंदर कोविड के खिलाफ जो हमने वैक्सीन लानी थी वो ना ला सके ये पैसा अरबों इट्स अ रफ एस्टिमेट जी प्लीज तो राम स्पीकर तो ये अरबों रुपए जो जाया हो गए ना कार्टल्स की जेबों में चले गए अगर ये पैसा अवेलेबल होता तो वैक्सीन साथ ही जाती कोरोना के वबाव को कंट्रोल करने के लिए खुद वजे अजम अपनी टीम के साथ करिया करिए जाते पूरे पाकिस्तान में जाते वजरा अला को साथ में जाते अपने एक्सपर्ट्स को लेके कर जाते और खुद घर घर जब तक वैक्सीन ना ले जाती जिस तरह के बाद मॉलिटिंग करके दिखाया है चैन से ना बैठते मैं यहां पर कथन किसी किस्म की खुद नुमाई नहीं करना चाहता कि किस तरह नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने डेंगी को कंट्रोल किया था अल्लाह के करम से सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में डेंगी को डेंगू को मैं नहीं जानता था कि डेंगी किस बला का नाम है डॉक्टर्स नहीं जानते थे नहीं जानती थी एक्सपर्ट्स नहीं जानते थे उनको किताबों में पढ़ा होगा लेकिन वास्ता नहीं पड़ा था और फिर वो श्रीलंका से जब डॉक्टर आए और फिर दिन रात काम शुरू किया एक 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 टीम टीम की की तरह तरह ही सब में खड़े हो गए यूं महमूद ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज सब जुट गए उसमें सब जुट गए उसमें और जहां स्पीकर मैं आपको बिला खौफ खौफे तरदीद करना चाहता हूं कि श्रीलंकन डॉक्टर्स ने मुझे डॉक्टर फर्नेंडस आज भी उनका नाम मुझे याद है उन्होंने कहा कि शबाज शरीफ हमने लाहौर देखा ये तारीख की सबसे बड़ी वबा ने शहबाज शरीफ आज हमने तीन चार दिन लाहौर को देखा है ये तारीख की सबसे बड़ी वबा ने अटैक किया है डेंगी की वो डेंगू कहते हैं हम डेंगू कहते हैं तो खुदा न खास्ता पच्चीस हजार अमवात हो सकती हैं उस रात राम स्पीकर विदाउट एनी एग्जेजन मुझे नींद नहीं आई और मैंने कहा कि अगर पच्चीस हज़ार खुदा ना खास था ढाई हजार भी लोग अल्लाह के प्यारे हो गए तो लाहौर की तो हर गली से जनाजे निकलेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा मगर फजर की नमाज पढ़ी अल्लाह ने हिम्मत दी रेस्ट इज हिस्ट्री उस साल इंक्लूडिंग कोमाब्टीज दो सौ से ज़्यादा अमवात हुई और उससे अगले साल जनाब स्पीकर अल्लाह के फजल से एक मौत डेंगू की से नहीं हुई बिल्कुल yeah. उसकी वजह क्या है कोई ये कोई ना नूरी है ना नारी है इट ओनली ए क्वेश्चन ऑफ विल एंड द विल टू डू एंड दैट्स इट तो मैं आपको अर्ज कर रहा था जनाब स्पीकर के इसी हवाले से ये बंपर की जो बात की है मिनिस्टर ने मैं आपको बताता हूं कि 2016-17 में पीएम के दौर में हमारी अल्लाह ताला के करम से रिकॉर्ड कपास हुई एक करोड़ दस लाख घंटे जो कि अब इनके दौर में सत्तर लाख तक आ चुकी हैं सिर्फ सत्तर लाख तक और उसकी वजुहत क्या है मैं आपको जी बासर फॉर माई आई स्टैंड करेक्टेड तो उसकी क्या वजूहत हैं मैं भी उसकी तरफ मैं आपके खदमत में अर्ज करूंगा लेकिन कहना यह चाहता हूँ कि कौम को सच बताएं गलती हम सबसे होती है वेर ऑल ह्यूमन बींग्स वी आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स बट वी लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स हमने अलहमद अपनी गलतियों से सीखा अब भी सीख रहे हैं और सीखेंगे लेकिन अगर कोई ये फैसला कर ले कि मैं आ, अकले कुल हूं और मैं हर चीज़ जानता हूं और मैं हर चीज़ ठीक कर लूँगा तो जनाब स्पीकर ये रास्ता नहीं है तरक्की और खुशहाली का कौमें इस तरह नहीं बनती कौमें बनती हैं थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स थ्रू कलेक्टिव विजडम एंड थ्रू अनटायरिंग एफर्ट्स शबाना रोज मेहनत करनी पड़ती है पसीना गिराना पड़ता है तब जाकर कौम बनती है ऐसे बातों से तकारीर से मरसीियों से इशार से कौमें नहीं बनती इंस्पायर तो कर देते हैं आप वक्ती तौर पर लेकिन लॉन्ग टर्म आपको काम करना पड़ता है जनाब स्पीकर उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है यह बजट चौथा बजट पेश किया है और जिस तरह मैंने शुरू में कहा अगर आवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है इसी इसी तरीके से स्पीकर चौथा बजट जो है अगर महंगाई कम नहीं करेगा अगर रोजगार मुहैया नहीं करेगा अगर गुरबत में कमी नहीं करेगा अगर आवाम को रोजगार मुहैया नहीं होगा महंगाई कम नहीं होगी तो ये बजट नहीं ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको हम एक्सपोज करेंगे और पूरी अपोजिशन का ये बायदा फैसला है कि वाकई अगर यही सूरत हाल है कि महंगाई का और तूफ़ान आएगा महंगाई का और तूफ़ान आएगा गुर्बत बढ़ेगी तो हम इन शाला जितना भी अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा हम इस बजट के ख़िलाफ़ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे इसको पास नहीं होने देंगे नाम स्पीकर क्योंकि ये गरीब के साथ एक संगीन मज़ाक है लिहाजा मेरी बड़ी अदब से आज जाना आपसे मैं मुल्तम हूँ और आप ही के ज़रिए मैं ट्रेजरी बेंचेस को मैं ये गोश गुजार कर रहा हूँ कि तलख नवाई आप बर्दाश्त कर लें और जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है आप करें तो कौम आपके इस फ़ैसले को तहसीन से देखेगी जिद और अना कोई चीज़ नहीं होती कौम के आगे कौम की खुशहाली कौम की अजमत वही सबसे बड़ी चीज है जिद और आना को आप कौम के लिए एक बार नहीं सौ मरतबा कुर्बान करते हैं जनाब स्पीकर और मैं समझता हूँ कि ये बात मैं खाली लफाजी के हवाले से नहीं कर रहा मैं मैं दिल की अथाह गहराइयों से मैं आपकी खदमत में पेश कर रहा हूँ कि खुदा आए जिद और आना को हम अपना ना बनाएं हम कौम का जो मुकदर है और पाकिस्तान का जो आला इंटरेस्ट है उसको सामने सामने रखकर हम अपनी अना को एक तरफ रखें और पाकिस्तान के लिए काम करें पाकिस्तान को अजीम बनाएं एंड इट इट नेवर टू लेट इट इज स्पीकर मैं जनाब स्पीकर करना चाहता हूं कि इन तीन सालों में जो टैक्सेस का बोझ डाला गया है एक तो तीन तीन सालों में इनके टैक्स जो उनके आहदाफ थे उसे बहुत कम थे अभी जो ये साल जो गुजर रहा है इसमें भी शुनिद है कि जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होगा हदफ के मुकाबले में शायद तीन सौ अरब या चार सौ अरब रुपये कम है लेट्स सी क्या आता है उससे पिछले साल बहुत बड़ा गैप था और अब भी किस तरह मुमकिन है कि तीन सालों में इजाफी टैक्स लगाकर जनाब स्पीकर इन्होंने जो इजाफी रकम टैक्स की महसूल में जो की वो आठ सौ अरब हैं और ये किस तरह मुमकिन है कि इस साल एक साल में ग्यारह सौ अरब कर लेंगे स्पीकर ये तो महंगाई का एक और तूफान लेके आएंगे जिसको मैं अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके मुकाबले में स्पीकर मियां नवाज शरीफ के दौर में 2013 में जो टैक्स रेवेन्यू था 2018 में उससे दुगना हो गया दुगना डबल किया हमने अल्लाह के टैक्स रेवेन्यू तीन हजार आठ सौ बयालीस अरब रुपये तक पहुंचा आईएमएफ का प्रोग्राम भी मुकम्मल हुआ यानी कि वो मुकम्मल नहीं हुआ यहाँ पर तो ब्रेकें लगती हैं अब फिर सुना है आज मैंने अखबार में पढ़ा दोबारा वो खटाई में पढ़ रहा है रिव्यू और बजाय जुलाई के वो शायद सितंबर में करेंगे आई डोंट नो मगर पॉइंट यह है कि आई का प्रोग्राम इनके दौर में एक से ज्यादा मरतबा उसको ब्रेकें लगी हैं हमारे दौर में आई का जो प्रोग्राम था वो पूरा मुकम्मल हुआ जनाब स्पीकर रिकॉर्ड तरक्की भी हुई जी डी जी डी पी पाँच आठ पे गई सी पैक के अरबों डॉलर के मंसूबे भी किए और गवादर को पूरे पाकिस्तान सड़कों के साथ मिलाया और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एक मुमताज पोजीशन दिलवाने में हम कामयाब हुए आज तीन साल बाद हम दोबारा हम दोबारा रिवर्स गियर लग चुका है ये नहीं होना चाहिए था यह नहीं होना चाहिए था मैं आपको यकीन से साथ कह सकता हूँ अगर ये सिद के दिल के साथ नेक नीति के साथ उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते जहाँ पर हमने 2018 में हुकूमत इनके हवाले की थी तो आज पाकिस्तान की जीडीपी डी वो सात फीसद तक पहुँच गई होती और हमारा जो हजम है एकनमी का 313 अरब डॉलर जो 2018 में हमने छोड़ा था बदकिस्मती से आज वो दो अरब छियानवे आ, 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 दो सौ छियानवे अरब डॉलर पर पहुंच चुका है गिर चुका है वो जनाब स्पीकर तीन सौ सत्तर अरब डॉलर पर पहुंच चुका होता अगर सिर्फ ये इनको कुछ नहीं करना था दे जस्ट तो मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि अगर अगर ये उसको फॉलो करने की इनमें इस्तदाद होती तो ये जरूर मंजिल तक पहुंच और हम पूरी तरह इनका साथ देते आपको याद है आपको अच्छी तरह याद है कि जब पहली तकरीर मैंने की थी तो मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी किस तरह पाया हकारत से मेरी उस बात को टुकराया गया उसके बाद जो कुछ हुआ इट इज हिस्ट्री जहां स्पीकर मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता अब आए जहां स्पीकर के शनीद ये है ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि अपना कोई टैक्स नहीं लगेगा एक तरफ ये फरमाया उन्होंने अब सुनीत जो है और बड़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि तीन सौ तिरासी अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं तीन सौ तिरासी अरब रुपए जनाब स्पीकर मैं आई होप आई एम एबल टू तीन सौ तिरासी अरब रुपए अब बताएं कि अगर तीन सौ तिरासी अरब रुपए के टैक्स खुदा ना खास्ता लग गए तो गरीब यतीम और बेवा जिसकी पहले दवाई छीन जा चुकी है जिसकी रोटी आदि हो चुकी है जो बिल्कुल अपने जिस्म को बरकरार रखने के लिए वो जिंदगी से लड़ रहा है और ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले उसकी ज़िंदगी इस हुकूमत ने कर दी है वो किस तरह जिंदा रहेगा वो किस तरह अपने आ, अपनी जान बचाएगा और अपने बच्चों का वो दूध और दही ले आएगा जहां स्पीकर तीन सौ तिरासी अरब रुपए और इन नए जालमाना टैक्स में खाम तेल और एल एन जी के ऊपर सत्रह टैक्स लगाया जा रहा है सत्रह फीसद सेल्स टैक्स टैक्स लगाया सत्रह फीसद उससे आप देखेंगे महंगाई की एक नई क्यामत टूट पड़ेगी वो तो पहले ही एक क्यामत शोगा का मुकाबला कर रहे हैं गरीब आदमी और यतीम और बेबा और, और मजदूर पहले ही तीन सालों से वो बेहार हो चुके हैं हर चीज उनकी छिन गई लुट गई और अब ये नए एक वो एक, एक, एक गधे पर चूड़ियां लदी हुई थी तो वो बाजार से गुजर रहा था तो एक आदमी में खड़ा था उसके हाथ में वो डंडा था उसने उसके पर डंडे अब डंडे से उसके जो था मारा उस निका इसमें क्या है उस निका पहले चूड़ियां थी अब कुछ नहीं ये गरीब आदमी का इस पर ये हाल है वो नचोड़ा जा चुका है pop, pop. तो जनाब स्पीकर कोई खुदा का नाम माने अल्लाह ताला बड़े वसाइल पैदा कर देगा लेकिन ये टैक्स जो हैं लगाकर ये हम खुदा की नाराजगी हासिल करेंगे उनकी बदवाएं जो पहले ही आसमानों तक पहुंचकर आसमानों को चीर रही हैं, और इसी तरीके से जो दूध दही और डेरी जी एस टी सत्रह परसेंट पर ले जाने की चुनीद है गरीब आदमी तो पहले दही और रोटी से गुजारा कर रहा है अब आप उसका दही भी उसे छीनना चाहते हैं ये जुल्म ना होने दें इसी तरह चीनी के ऊपर भी मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं और आप जानते हैं गरिश तो की थी कि आपके जेपी में जो तो किसान जो आ तो गई टैक्स कितना जुल्म है इनकम उनकी है नहीं और टैक्स का कुल्हाड़ा उनके ऊपर आप चलाने जा रहे हैं इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है यहां स्पीकर सुनिद है कि आईएमएफ का अगर ये पैकेज थ्रू हो रहा है तो उसमें कुछ जो पावर्स हैं वो मेडिएट कर रही हैं तो फिर हमें इस हाउस में जहाँ स्पीकर हमें बताना चाहिए इस ऐवान को बहुत साइड्स ऑफ दिस दबल हाउस इधर भी और इधर उनको एतमाद में लेना चाहिए कि भाई आईएमएफ की क्या शराय हैं क्या आईएमएफ ने इस बजट के ऊपर ठप्पा लगा दिया है क्या आईएमएफ की अभी शरात अभी हनूज अभी को बाकी हैं और क्या अगर कोई आ, पावर को इसको फैसिलिटेट कर रही है तो वो कौन है और उसकी क्या शराय है ये बाईस करोड़ आवाम का मंतखब ये एक बहुत ही मोज़ हाउस है अगर इसको आपने एतमाद में नहीं लेना तो किसको को एतमाद में लेना है मगर क्या कीजिए कि चाहे ये हो चाहे अफगानिस्तान हो ये सीट खाली रहती है चाहे फलस्तीन हो ये सीट खाली रहती है चाहे कश्मीर हो ये सीट खाली रहती है चाहे महंगाई की बात हो यह सीट खाली रहती है चाहे अपना आप बेरोजगारी बे, बेरोजगारी की बात हो ये सीट खाली रहती है चाहे अपना इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी नहीं और आप देखिए कि बेघरों की बात हो ये सीट खाली होती है जैम स्पीकर इस तरह तो मुल्क नहीं चलते चाहे कोरोना की बात हो ये सीट खाली होती है स्पीकर उनका काम है कि आके हाउस को एतमाद में लें और बताएं कि भाई ये मामला है, हैं ये चैलेंजेस हैं और कंसेंसिस uh, पैदा करने की कोशिश करें दिस इज वन ऑफ योर ऑफ़ योर यू नो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट कंसेंसिस रीच आउट टू टू बिलावल भुट्टो रीच आउट टू मौलाना असद रीच आउट टू ईच एंड एवरी ऑफ पाकिस्तान ऑफ द पाकिस्तान मगर उसके लिए हौसला चाहिए उसके लिए ईमानदारी की बात है दिल गुर्दा चाहिए सबर और तहमल चाहिए बर्दाश्त चाहिए ये ये डेमोक्रेसी है दिस इज नॉट डिक्टेटरशिप ये फैशम नहीं है आपको बाजुकात एक सही काम के लिए भी आप यकीन करें अपने किसी की मिहन करनी पड़ती है शेख शेख पाकिस्तान के लिए और मैं पाकिस्तान के बाहर कह रहा हूं जस्ट टून एट द्वाइंट कि पाकिस्तान के लिए मुझे स्पीकर आज मैं आपको तस्वीर का एक नया रुख तो नहीं वो बड़ा जाना पहचाना रुख है वो मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से कंटेनर से खड़े होकर दावे किए गए आई एम नाउट रिपीट वेट कि तीन महीनों में करप्शन खत्म कर दी जाएगी आई मीन कोट एंड कोट के मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा है 300 अरब डॉलर वो हम वापस लेके आएंगे जहां स्पीकर मैं आपको चंद बिल्कुल इरिफ्यूटेबल मिसालें देना चाहता हूं वो तो तीन महीने में जो करप्शन हुई है उसकी मिसालें देना चाहता हूँ एक प्रोग्राम है पंजाब लैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि नवाज शरीफ के दौर में कायम किया गया ये क्या था जहां स्पीकर फर्ज़ जो होती है ज़मीन की लैंड उसको फर्द कहते हैं म्यूटेशन आप जानते हैं कि पटवारी जो था वो अपना जो कोई ऑनेस्ट पटवारी मैं उसकी बात नहीं कर रहा लेकिन पटवार कल्चर की बात कर रहा हूँ कि उसके लिए पचास पचास हज़ार रुपया लाख लाख रुपया भी उसकी रिश्वत चलती थी और कई कई दिन या कई कई हफ्ते पे लग जाते थे हमने अल्लाह ताला के करम से वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रोग्राम मुझे आज भी याद है चौदह अरब रुपए में मुकम्मल किया इसका पंजाब के पांच करोड़ अपने जो देही आबादी उसको फायदा पहुंचा सेंटर्स खुल गए फर्दे मिलना शुरू हो गई और आपको याद होगा आप उस खुद के पी के के आप स्पीकर थे मैं कहा करता था कि हमने ये पटवार कल्चर का खात्मा कर दिया है जनाव स्पीकर यकीन करें कि वो सारा सिस्टम उसमें नए ऑफिसर्स आए मेरिट पे ट्रेंड ऑफिसर्स आए उनको लगाया और पटवारी तहसीलदार की भर्ती मैंने खत्म कर दी आज पटवारी वापस आ गए आज तहसीलदार वापस आ गए और वही वही करप्शन का कल्चर दोबारा जारी हो सारी है मैंने कभी इस तरह की मैं स्पीकर बात नहीं की लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब के चलाने वाले जो सरकरदा लोग हैं वहाँ पर वहाँ पर दिन रात डीपीओ डिप्टी कमिश्नर ए सी एस एच की तब्दीली के लिए लाखों रुपए के रिश्वत का प्रोग्राम बाजार गर्म है वहां पे आप यकीन कर ले जनाब स्पीकर मैं बिलादी बात कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड मैं ये कहना चाहता हूं हकीकत बता रहा हूं आपको और जनाब वो वापस वही पटवारी वही हैव नथिंग अगेंस्ट पटवारी सिस्टम पटवार कल्चर जी प्लीज फिर आप जनाब स्पीकर मेरिट की बात कर लें मैं आपकी तो जो जाता हूं इसलिए कि इमरान खान न्याजी साहब मेरिट के बहुत दिल दादा हैं और बड़ा जोर देते रहे कंटेनर पे भी, भी उसके बाद भी आज तीन साल बाद आप देखें कि मेरिट के हवाले से कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं आप तीन साल बाद देख लें कि एक सूबे में इन तीन सालों में कितने आईजी पुलिस बदल गए एक सूबे में इन तीन सालों में कितने चीफ सेक्रेटरी बदल गए मैं बाकी सूबों को की बात नहीं करता इसलिए कि बट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वन प्रोविंस वेर आई एम फुली अवेयर वॉट हैपनिंग कि वहां पर एक सूबे में इन तीन सालों में कितने हेल्थ सेक्रेटरीज बदल गए एक सूबे में इन तीन सालों में कितने आपके एजुकेशन सेक्टर बदल गए अब बताइए कि अगर एवरेज हर तीसरे चौथे महीने आप एसी को बदलेंगे आप एक एस एस ओ को बदलेंगे आप हर छठे महीने में एक सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को बदलेंगे तो काम खाक हो रहा है और रही बात मेरिट की तो जहां स्पीकर विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन जो भर्तियां हो रही हैं उसके बदले तिजोरियां ब... भरी जा रही तिजोरियां और मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं एक बहुत ही खताकार इंसान हूँ इस हाउस में नहीं पूरे पाकिस्तान में मैं सबसे ज़्यादा खताकार इंसान हूँ और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी लेकिन बतौर सूबे के एक खादम के कहीं अपना कोई नोटिस मेरे में ना आया होगा ना जहाँ पर नोटिस आया तो भरपूर एक्शन लिया बट आई कैन से विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन के पंजाब में दस सालों में लाखों टीचर्स भर्ती हुए हजारों सिपाही भर्ती हुए हजारों एस आई भर्ती हुए हजारों सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए अपना नर्सें भर्ती हुई डॉक्टर्स भर्ती हुए जहां पर स्पीकर नोइंगली देखनाइंगली तो बात हो सकती है नोइंगली इन लाखों भर्तियों में अगर एक ये साबित हो जाए कि यहां पर डंडी मारी गई तो आपका हाथ और मेरा गलेबान हो गया स्पीकर ये था वो नया पाकिस्तान जो इमरान खान नया कंटेनर पर खड़े होकर बताया करते थे कौम को और यकीन कौम ने एब्जॉर्ब किया कोई शक नहीं है एब्जॉर्ब किया कि पता नहीं पिछले दिहाइयों में क्या लूटमार हुई क्या कुछ हुआ है एब्जॉर्ब किया मगर इन तीन सालों में जहां स्पीकर जो मेरिट का जो हजर हुआ है और जो ट्रांसपेरेंसी का जो हचर हुआ है उसकी नजीर नहीं मिलती बहत्तर सालों में अगर किसी और की हुकूमत में यह चीजें होती तो शायद इतने आई बरोज रेज ना होते स्पीकर इतने लोग मतवजो ना होते लेकिन जिस शख्स ने बार बार कहा कि नया पाकिस्तान और सुनामी आएगी सुनामी स्पीकर आई है महंगाई की सुनामी ने और ये बहा के ले गई है गरीब आदमी को यतीमों को बेवाओं को तालब इलमों को मजदूरों को हारियों को किसानों को यह सुनामी बहा के ले गई उनकी महंगाई के हवाले से और खसो खाशाक की तरह बहा के ले गई है और दूसरी बात कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स करप्शन का खात्मा मैंने आपको चंद मिसालें दी हैं मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये इिफ्यूटबल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ जनाब स्पीकर और फिर बाकी जो हैं पाकिस्तान का हिस्सा वो आप बेहतर जानते हैं के पी को आप बेहतर जानते हैं मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता फिर देखिए जनाब स्पीकर किस तरीके से अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरफ कोई आने का नाम नहीं लेता था 2013 में बल्कि ये 2005 हजार पांच चार से तीन से जो दहशत गर्दी की एक लहर बढ़ती जा रही थी पूरे पाकिस्तान में उसने तबाही मचा दी थी कौन सा सूबा ऐसा नहीं था जिस जहां पर दहशत गर्दी ने बेगुना लोगों को शहीद नहीं किया मारा नहीं कौन सा शहर कौन सा कस्बा कौन सा टीला कौन सा पहाड़ कौन सा रेगिस्तान पाकिस्तान में नहीं था जहां पर दहशत गर्दी नहीं हुई और सत्तर हजार लोग उसका निशाना बने और फिर 2014 में आपने देखा जहां स्पीकर कि किस तरह यहां पर पीटीआई के धरनों ने मीषत का धरन तख्ता कर दिया छह महीने पाकिस्तान इस्लामाबाद से बंद रहा डी चौक जो है वो वहां पर डी चौक में छ महीने पाकिस्तान का वहां पर धरने के साथ धरन तख्ता हो गया हमारी मीशत का हमारे निजाम का और जहां स्पीकर आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीन के सदर हमारे एक इंतहाई दोस्त मुल्क के सदर शी जिनपिंग वो पाकिस्तान आ रहे थे सितंबर दो हजार एम राइट सॉरी एम सॉरी एम सॉरी। 2014 में और बहुत खतरा लाख था कि इन धरनों के वजह से कहीं उनका दौरा मौखर ना हो जाए एक रात इट वॉज अ वेरी डार्क पिच नाइट मुझे रात के 11 बजे मुझे चीनी सफीर ने मुझे बताया कि शी जिनपिंग का दौरा